मैं आज आपको ज़ेरॉक्स की कलर मशीन के बारे में बताऊंगा और इसकी कुछ जनरल जानकारी दूंगा। हमारे पास ये ज़ेरॉक्स की 78 सीरीज़ की मशीन है, जिसका मॉडल नंबर है वर्क सेंटर 78-55। देखिए मशीन कुछ इस प्रकार की दिखती है, मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। और आइए मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मशीन है। बेसिकली जो होता है ये, इसको ईडीएफ बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, इसमें हम ऊपर से भी फोटोकॉपी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो हम इसे डाल के अपनी फोटोकॉपी कर सकते हैं। और जैसे कि कोई एक दो डॉक्यूमेंट हैं और हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो हम इसको डायरेक्ट स्कैनर से रख के फोटोकॉपी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा जो खांच दिख रहा है इसको स्कैनर बोलते हैं। और ये इस पर स्केल है, इन पर साइज़ों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये A6 है, 5.5, A5, ऐसे चलते चलते आओ, ये A4 है। तो अगर हमें फ़ोटोकॉपी करना है तो इस एरो से चिपका के हमें डॉक्यूमेंट को रखना पड़ेगा, और फिर उसको इसके बाद हमें इस ADF को डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं फ़ोटोकॉपी के लिए, जो हमें यहाँ करनी पड़ती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें A4 साइज के डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करनी है, तो मैं बताऊंगा। जनरली जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो इसका होम पेज, जो वेलकम पेज होता है, वो इस तरह का होता है। अगर हमें फ़ोटोकॉपी करनी है तो हम कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें किस ट्रे से फ़ोटोकॉपी करनी है, तो इसमें ट्रे भी यहाँ देख पा रहे हैं, पेपर सप्लाई। इसमें ये फर्स्ट ट्रे है, सेकेंड है, थर्ड है, और मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको फोर्थ और फिफ्थ भी दिखेगी। जो फिफ्थ नंबर की ट्रे है, ये बाईपास ट्रे होती है, जो मैं आपको दिखाऊँ, इस तरफ होती है। ये देखो, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये होती है, यहाँ से हम अपना पेपर लगा सकते हैं और यहाँ से भी हम फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये भी इसकी आउटपुट ट्रे है। दोस्तों हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कहाँ पे आउटपुट चाहिए अपना। एक ये आउटपुट ट्रे है, ये बेसिकली बंदी रहती है, ज़्यादातर आउटपुट हमारा यहाँ से आता है। और ये हमारी ये ट्रे है, तो ये है फर्स्ट ट्रे, यहाँ पर हम अपना पेपर लोड करते हैं। और ये हैं गाइड रोलर, तो हम इनको छोटा बड़ा करके अपने पेपर को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के नीचे जस्ट सेकंड ट्रे है, तो इसमें भी हम अपना पेपर लोड कर सकते हैं। ये कि जैसे कि फर्स्ट ट्रे में हमारा A4 पेपर डला हुआ था, देख सकते हो आप, और सेकंड में हमने A3 पेपर को लोड कर रखा है। तो उस हिसाब से हमने अपना इस गाइड रोलर की मदद से इसको पीछे करके अपना साइज बना लिया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ होती है, इनमें A4 पेपर ही लोड होता है, इसके इससे बड़ा पेपर नहीं होता। लेकिन इनमें कैपेसिटी हम ज़्यादा कर सकते हैं पेपर की। इन दोनों ट्रे में 500-500 शीट आती हैं, और इसमें लगभग 1500 शीट आ जाती हैं, लेकिन इसमें A4 पेपर ही आता है। ये हमारी थर्ड ट्रे है और ये है फोर्थ ट्रे। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ अंदर की जानकारी भी देना चाहता हूँ। जैसे कि ये इसका फ्रंट डोर है, यहाँ से ओपन होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये कार्टेज हैं, ये ब्लैक है, सियान है, मेजेंटा है, और ये है येलो। और यहाँ से हम इसको ज़रा सा हल्का बाहर प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इसमें चिप भी होती है, देखिए अब इस तरफ इसमें चिप है, ये इसमें चिप लगी होती है। इसको इसके जो आप देख सकते हैं, इसके सांचे बने हुए हैं, ये देख लो, इनमें मिला के ही इनको डालना है, तो ये बेसिकली आराम से इसमें इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद इन्हीं के जस्ट नीचे होती है ड्रम यूनिट, ये है ड्रम यूनिट का पार्ट। इसको पहले अनलॉक करना पड़ता है, यहाँ से अनलॉक करने के बाद इसको दबाओ, नीचे खींचो। ये है हमारी ड्रम यूनिट, ये है R1, R2, R3, R4, ये है R4। इनमें भी चिप होती है फ्रेंड, देखो ऊपर ही लगी हुई है। और ये हमारी ड्रम यूनिट है, और इन ड्रम यूनिट को हम बदल भी सकते हैं। ये वाला ड्रम यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, ये वाला यहाँ लगा सकते हैं, कोई भी हम इधर से उधर कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जैसे भी आपको लगे। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने जैसे चारों ड्रम यूनिट निकाल ली हैं और फिर हम बाद में याद नहीं रख पाते कि कौन सा कहाँ लगेगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वाले को आप इधर लगा सकते हैं, इसको इधर लगा सकते हैं, सभी बराबर होती हैं।
ये हमने इसको लॉक कर दिया। और ये इसका वेस्टेज टैंक होता है, जिसमें यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ से टोनर जाता है, यहाँ देखो आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। जब हम कुछ इसको इंसर्ट करते हैं तो ये ढक्कन ऐसे ऊपर की ओर हो जाता है। देखो इसमें टोनर भी अभी भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा वेस्ट टैंक है। अब आपको मैं फिक्सिंग यूनिट पर ले चलता हूँ। तो ये फ्रंट डोर हमने बंद कर दिया। जैसे ही अगर हम ये फ्रंट डोर और भी कुछ खोलते हैं तो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगता है कि क्या चीज़ खुली हुई है। देखो आप ये स्क्रीन पर एरर शो हो रहा है। जैसे ही मैं ढक्कन को लगाऊंगा ये एरर हट जाएगा, देखना ऑटोमेटिक हट गया और हमारी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। अभी हमने आपको ट्रे खोल के दिखाई थी तो वापस लगाई हैं ट्रे, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहे हैं इन पर कि ट्रे अपन को कैसे क्या सेट करनी है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं कन्फर्म करके। बाकी आपको मैं साइड में ले चलूँ तो आपको इसकी फिक्सिंग यूनिट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इसका लॉक है, आप इसको ज़रा सा ऊपर उठाएंगे तो इसकी ये फिक्सिंग यूनिट बाहर आ जाएगी। ये हमारी फ्यूज़र यूनिट है, यहाँ पर हीट होके हमारा प्रिंट पक जाता है और फिर छूटता नहीं है। और इसी के नीचे आप जस्ट देखेंगे तो यहाँ हमारा बेल्ट है, ट्रांसफ़र बेल्ट बोलते हैं जिसको, ब्लैक कलर का आप जी देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये ट्रांसफ़र बेल्ट बोलते हैं इसको। और ये हमारी डुप्लेक्स यूनिट है, यहाँ पेपर आगे पीछे होके प्रिंट होता है। तो इसको हम अभी क्लोज़ करते हैं। ये बाईपास ट्रे है, इसको भी हम लगा देते हैं। और बाकी इस मशीन की प्रिंटिंग स्पीड के बारे में हम बात करें तो इस मशीन की स्पीड जैसे आप मॉडल से समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है मशीन का, वर्क सेंटर 7855। तो ये 78 सीरीज़ का नाम है और इसकी स्पीड कितनी है, 55 कॉपी पर मिनट। तो इसकी 55 कॉपी पर मिनट की स्पीड है। इसी 78 सीरीज़ में और भी मशीन है जिनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, वो 7835 हैं। तो उनकी एक मिनट में 35 कॉपी पर मिनट की स्पीड होती है, और एक है 7845 वो 45 कॉपी पर मिनट प्रिंट करती है। तो ये है इस मशीन की बेसिक डिटेल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और बाकी जैसे अभी हम इस मशीन को आगे यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं या आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।